न्यू व्लॉग। देखो मैं निकल चुका हूँ घर से, रास्ते में से बस फ्यूल डलवाने का है, एक छाछ की बोतल लेने की है और मैं जाने निकला हूँ बड़ौदा, क्योंकि बड़ौदा में मेरे को कुछ काम है और उसके बाद मैं अंकिता को भी पिक करूंगा, नानी को मिलूंगा और वापस भी आना है। वापस आने के बाद भी काफ़ी सारा काम है। वैसे पहुँच सकती है बड़ौदा, पर फिर भी सोच रहा हूँ यार वहाँ जाके भी डलवाना ही है, तो रास्ते में पहले ही फ्यूलिंग करवा देता हूँ। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों को गुड मॉर्निंग फिलहाल, और मेरे को भी गुड मॉर्निंग, और नीचे कमेंट कर देना क्योंकि वीडियो जब लाइव जाएगा तब सुबह होगी और मैं देखूंगा आपके कमेंट्स। तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना भूले बिना, काफ़ी लोग देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, काहे कर लो यार, और साथ में ना मस्त बढ़िया सा कॉमेंट और लाइक कर देना। गुड मॉर्निंग, नाश्ते में है आलू परोठा और बस चाय के साथ मैं अभी खाऊंगी, एंड आज मैं वापस बनाने वाली हूँ दाल मखनी। रीजन आपको पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करके बताना। फेसबुक से किचन में ही खाना बना रही हूँ, अभी जस्ट मैं चटनी बना रही हूँ जिसके लिए पुदीना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ग्रो होती है तो बस बस हो जाएगा, आई थिंक सो। मेरी मॉम को गार्डन का बहुत ज़्यादा शौक है ना, मेरे घर में बहुत सारी मिर्ची जिससे ऑलमोस्ट ग्रो होती है। मैं चटनी बनाती हूँ उसमें आइस डालती हूँ ताकि कलर अच्छे से मेंटेन रहे। मैं फाइनली बड़ौदा पहुंच गया था, और पहुंचने के बाद मैंने ना अपना मीटिंग का जो काम था पहले वो खत्म किया, अभी मैं जा रहा हूँ अंकिता के वहाँ पे खाना खाऊंगा क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, और उसके बाद उसको पिक करके फिर हम लोग निकलेंगे नानी को मिलने, उसके बाद बड़ौदा से अहमदाबाद जाने निकलेंगे। पर तेज़ भूख लग रही है यार, भयंकर वाली। भाई साहब बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है यार, अभी अब तक रेडी नहीं हुई है, अभी और आधा घंटा लगेगी सब रेडी होने में, भूख लगी मेरे को तो। हेलो, तो मैं आ चुका हूँ अंकिता के यहाँ पे, और अंकिता ने मेरे को दे दिया सरप्राइज। अब तो आप लोगों को इतने सालों में पता ही है कि अंकिता के हाथ की बनी दाल मखनी वर्ल्ड बेस्ट है, तो अंकिता ने वही बनाई है, तो मेरे को ह्यूज सरप्राइज मिल गया। मैं तो यहाँ से पैक करके घर पर भी ले जाऊँगा। खाना ना खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी, इसने बहुत वेट कराया मेरे को। तो दाल मखनी, और भाई ये मस्त क्या नान वान रेडी है गार्लिक के साथ, मेरा फेवरेट यार, मजा आ जाएगी अभी खा के। मेरे को टेंशन से इतना था क्योंकि ज़्यादा वेट कर रहा है तो भूख मर जाएगी, मैं खा लेता हूँ पहले। गाड़ी क्या बिल्कुल फनी नहीं था। और एक और बोलो क्या, अरे बेसमेंट अब आया ना, हाँ मेरी गाड़ी बेसमेंट में अभी नहीं, तो चल फटाक से निकाल। नहीं नहीं चल बेसमेंट जाके आते हैं, बेसमेंट जाके आते हैं, बेसमेंट जाके आते हैं, चल खोल ठीक है। अंकिता मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ना, ये देखो चल। फाइनली चलो अंकिता के वहां से निकल गए, भाई शाम के 4:30 हो रही है, पर क्या तेज वाली धूप लग रही है, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं यार बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, मतलब हद बिना की गर्मी बढ़ गई है। देखो इसका ना देखना, जैसे इस साइड से धूप आ रही है तो जल रही है मेरी स्किन, 6:30 बज गई है। अभी जाना है पहले पेट्रे पमट, क्योंकि वहां से चैम बुल्फे के लिए एक पैकेट लेना है, वो ओट्स फूड का, और उसके अलावा बस कुकी के लिए एक पैकेट ले रहे थे एक्स्ट्रा, नहीं लेता है तो सही बट स्टिल ले लेता है। बाकी तो कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि गर्मी है तो उनको बैठनी चाहिए, वो फेंक देता है साइड में, पता है धक्का मार देता है, वो ये मारता है और कभी कभी अंदर होता है, उसके नीचे घुस जाते हैं वाला अटैक है उसका, गुस्सा होता है पता है, बैठ डालते तो। अच्छा मेरे खुदा दी गाड़ी कहीं पे, खुदा दी क्या, अच्छा वीडियो नहीं लूं, एक सेकंड, हमने ना गाड़ी चालू ही छोड़ दी है क्योंकि भयंकर गर्मी है। कैसे हो आज भी नहीं आकाश भाई, ठीक है उतनी देर में मैं चला जाऊंगा। तो मेरे को है ना एक काम करो, उनको हम उनको हमारी तरफ से हाय बोल देना कि हम दोनों आए थे, और एक वो बर्ड वाला फूड का पैकेट दे दो, और उसके अलावा एक वो वाला वेज फूड है ना इनका तो मैं हमेशा लेता, ये ओट्स वाला एक ये पैकेट दे दो मेरे को। तो फिलहाल चैम्बर और इफी को उनके जो घर का खाना है उसके अंदर ये ऐड करके देते हैं हम लोग, और इसका तो ये फिक्स ही है और कुछ आता ही नहीं है इसका अलग। तो अभी हम जा रहे हैं नानी के वहाँ पे, भाई इतना ज़्यादा सब कुछ अलग अलग डायरेक्शन में है ना, एक बड़ा के इस कोने में काम, उस कोने में अंकिता का घर, इस कोने में है ना सब, अच्छा हाँ पता चल गया किस साइड जाने का, हाँ पता चल गया किधर जाने का, मैं हमेशा ये रास्ता है ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, पहले तो चेक करने दो। ओ बाप रे कुछ ज्यादा ही सामान है, सारा निकालना पड़ेगा, ये तो हल्का एकदम,
हेलो ये लोग देखो कैसे सामान उठा उठा के जा रहे, क्योंकि मैंने बोला मैं आधा ले आता हूँ। लेडीज यू नो लेडीज, पर जितना हाथ में आएगा उससे ज्यादा उठा के ले जाएंगे। फटाफट गाड़ी पार्क कर लेता हूँ, बाको मिलता फिर निकलना है। ये देखो, हेलो जय अम्बे, तबियत कैसी? बैठो खिड़की। जयंबे बेला से, जयंबे बाय। बाने बाने अंदर लो पहला। अंदर तो नहीं आया। चलो जयंबे, अंकित आ गई है रेड बुल लेने के लिए, कि कॉफी वगैरह पीने का मन नहीं था और डिहाइड्रेशन भयंकर लग रहा है। यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे फिर सीधा अहमदाबाद। बोलो, मैंने जब पूछा इसको रेड बुल लेना है कुछ रास्ते में से लेना है, तो इसने बोला हाँ रेड बुल पीनी है। रेड बुल मैंने ले ली है, मतलब अंकिता को बेच के, और अब बोल रही है मुझे मकई खानी है। तो अब मकई खाएगी तो रेड बुल नहीं पिएगी, तो दोनों मिक्स नहीं कर सकते? नहीं, वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, ले ले। क्या मस्त है, जल्दी मस्त है। बहुत खट्टा है। नींबू वाला दे दिया तूने मेरे को? नहीं, सब में है इतना नींबू, और वो मजा आ रही है। वैसे इससे पहले वाला जो मैंने क्लिक किया था, वो मैंने सोचा था ट्रांजिशन मारूंगा, पर अचानक मुझे मस्त बादल दिख गए जो कि हार्ट शेप के लग रहे हैं। तूने भी नोटिस नहीं किया? हाँ। देख ऊपर सामने, मुझे बोला तब मैंने नोटिस किया। अब मस्त लग रहा है ना? हाँ। चलो यार, ये वहाँ पे एक ही है, पर वो दिल और अपना दिल बहुत खराब था जोक। एनीवेज, वापस ट्रांजिशन के लिए, ये देखो अहमदाबाद के ट्रांजिशन में आते फुल ऑन ट्रैफिक जाम। वैसे इस गाड़ी के आगे एक गाड़ी थी जिसमें बच्चे थे, जो बहुत सारे बच्चे थे और सारे सब्सक्राइबर्स थे, पर यार आगे गाड़ी आगे, वरना मैं बताता आप लोगों को। अभी हम जा रहे हैं शायद से घर, अगर रास्ते में कुछ काम हुआ तो वहाँ पर जाएंगे, वरना फिर सीधा घर चले जाएंगे। भाई ये वाला है ना जो मेरा एयरपोर्ट का केस है, वो दिवांग लेके चला गया, क्योंकि उसको पुल लिखा है, पुल उसका कवर क्या अच्छा नहीं था फिटिंग में। क्या बोल रही है? मैं हाँ, तो वही लूज हो गया था, खुल रहा था बार बार, तो उस मेरा लेके चला गया, मेरे को नया लेना पड़ेगा। हेलो, वही तो लेके गया ना, पहन दिया तो मेरे फोन का टेम्पर चेंज करवाया, और हिरन का भी हो रहा है चेंज, वो गेमिंग करने लगा है, तो उसको चाहिए। हो रहा था कि आपने कितने वक्त के बाद मोबाइल निकाला, इतनी धूल जमी हुई। अरे गाइस, मेरे को बताओ, कोई भी इंसान जब तक जरूरत नहीं पड़ती टफन लगाने की या फिर कवर चेंज करने की, तब तक कोई भी कवर में से मोबाइल निकालता है? मैं निकालती काम बिना झूठ मत बोल, अभी तूने खुद ने बोला था मैं भी नहीं निकालती। नहीं, खुद खड़े करके साफ कर रही हूं। हां, वो तो मैं कर रही थी, नो डाउट, बोला था मैं भी नहीं निकालती। और हिरन का ये नया सा लिया है हमने, बहुत स्मार्ट है, पहले वाले से भी स्मार्ट लग रहा है। नहीं, वो वाला ज्यादा नहीं, नहीं सच में कह रही हूँ, वीडियो में। अच्छा, ये वाला ज्यादा स्मार्ट है, अंकिता ने पीछे से इशारा किया कि ये बोल देना ठीक है, झूठ मतलब कोई इशारा नहीं है, झूठे कहीं के। और ये क्लीनर ले रहे हूँ, इसके साथ कपड़ा भी आएगा, इसलिए कपड़े के लिए पूरा जेल ले रहा हूँ, मतलब मोबाइल अमीर कैसे जेब में लेकर थोड़ी घूमना। ये देखो फोन पे लग गई फिर से, कहाँ जा रही है? मेरे लिए यहाँ पे नहीं अच्छी मिलेगी, आपने दो तीन बार देख के गए ऑलरेडी। 840 और 900 है ना। अभी हम लोगों ने इतनी सारी बॉटल देखी है, उसमें से फाइनलाइजेशन में कंफ्यूज है कि ये वाली लूं या ये वाली लूं। कंफर्म? श्योर? यस, जय माता दी का। जय माता दी। एक सेकंड, ये कौन सी है? पर सिग्नोरावेयर। अच्छा, इसके अगर लिंक मिला तो देख लेना, अमेजोन में की लिंक डाल देना नीचे, अगर मिल जाए तो। मेरी तो यही वाली, मैं मेरे को ये भी अच्छी लगी, इसकी भी लिंक अगर मिले तो डाल दूंगा। डबलिंग ही जनरली मिल जाती है अमेजोन में, है ना? पर मेरी ये वाला का पुराना मॉडल है, ब्लैक। हाँ, अंकिता के पास ये वाली है, पर इसका पुराना मॉडल है ना, तेरे पास सारा चीज़ें पुराना मॉडल है। मैंने संभाल कर के तीसरा साल के बाद अभी भी तो जोक नहीं समझे, पर ठीक है कोई बात नहीं, सोचते रहना। फाइनली हमने वो वाली ले ली, बड़ी वाली ब्लैक कलर में,
क्योंकि हमको डिस्काउंट के बाद 900 रुपीस में पड़ी, बाकी MRP इसके 1000 के आसपास की थी ना। होपफुली अब ये चले मेरी टीके। भाई साहब हम लोग तो घर पे आ गए, क्या मैच देख रहे हैं हम लोग। KKR DC और KKR ने 272 मार दिया। ये ना टारगेट को चूके टक से रह गए। एक्चुअली हम लोग कोई DC को सपोर्ट कर रहे, KKR को सपोर्ट कर रहे ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। ऐसा कि भाई जो टीम अच्छी खेले वो, पर क्या खेली है यार, 272 रन मारे। अगर वो विकेट नहीं गई होती तो ये आज रिकॉर्ड भयंकर तरीके से टूट जाता। दो तीन अरे रसल भी खींच लेता, रसल और उसकी विकेट बैक टू बैक गई। मस्त गजब वाली, मतलब लास्ट वाली ओवर बहुत गजब थी और रिकॉर्ड नहीं टूटा, बट बहुत ही गजब खेली KKR। अब देखते हैं DC क्या करती है। अगर ये लोग कर सकते तो वो भी ट्राई तो कर ही सकते हैं, पर वो लोग सब हिले हुए हैं क्योंकि स्कोर कुछ ज्यादा है, पर बहुत ज्यादा स्कोर हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा सेकंड इनिंग में खींचना इसको, बट इम्पॉसिबल नहीं, देखते क्या होता है। तो मैच हो चुके हैं खत्म, निकुंज भी आया था देखने के लिए आधी इनिंग के बाद, आधी नहीं पूरी एक इनिंग के बाद, दूसरी इनिंग स्टार्ट हो चुकी थी और आया था। और भाई क्या खतरनाक मैच थी यार, मतलब दिल्ली कैपिटल नहीं KKR में जो आ रहा था उड़ा रहा था, और दिल्ली कैपिटल में रिकॉर्ड तो उठा ही और भी ज्यादा यार, इतने 5 रन के लिए रह गया। कसम से दो बॉल अगर वो लोग टिक जाते ना तो कसम से मस्त रिकॉर्ड टूट जाता। और दिल्ली कैपिटल जैसे खेल रहे हैं ऐसा लग रहा था वो भी जो आ रहा है उड़ रहा है, जो आ रहा है उड़ रहा है। फिर भी ऋषभ पंत से लेकर कुछ प्लेयर से काफी अच्छा खेल रहा था, ट्राई तो किया था क्योंकि स्कोप इतना कम था, वैसे भी डिमोटिवेटेड हो गए होंगे। अभी अंकिता को मैंने फोर्स करके जो दाल मखनी वहां से पैक करवाई थी घर से, वो वापस से खाने वाला हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मुझे दाल मखनी इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं वापस बनवाता हूँ। अंकिता ने एक बहुत ही गलत चीज की है, वो है इसके अंदर पानी डाल के। बस क्यों डाला, थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। राइस तो यहाँ पर आके बनाया इसने, बनाया ना यहाँ पर आके, तभी हम वो लोग खा, वो सब खा लेंगे। और आपको तो पता ही है एकदम मस्त चका मस्त बनाया हुआ है, तो उसका रिव्यू करने की तो जरूरत नहीं है। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड मॉर्निंग, हम लोगों को टूसिंग एंड गुड नाइट। सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, लाइक शेयर कमेंट, और इस चैनल पे हम लोग कल आएंगे लाइव वर्टिकली, तो स्टे ट्यून ठीक है। बाकी तो प्रैंक चैनल को जाके देख लो, मस्त मस्त प्रैंक्स आ रहे हैं, और ऑल्सो अनफिल्टर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी देख लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी मिल जाएगी, देख लेना। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।